कलश यात्रा का स्वागत शत शत नमन कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। अटल जी का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा रहा है कि हर कोई उनका मुरीद है, पूरे देश में उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक, उनके प्रशंसक, ये जनसैलाब उसी का परिचायक है। इससे पहले जब उन्हें पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ दिल्ली में अंतिम विदाई दी गई, अंतिम संस्कार उनका किया गया, उस वक्त भी जनसैलाब उमड़ा था अटल जी के चाहने वालों की। जो लिस्ट है उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सभी सम्मिलित हैं, क्योंकि अटल जी सभी को बराबर स्नेह बराबर प्रेम करते थे। देश उनके लिए सर्वोपरि था, देश हित में वो हमेशा लोगों का मार्गदर्शन भी करते थे। बड़े बड़े दिग्गज उनसे प्रेरणा लेते थे, अपनी कविताओं के जरिए, अपने साहित्य के जरिए हमेशा हमेशा लोगों के दिलों पर राज करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज उन्हें शत शत नमन करने के लिए कलश यात्रा निकाली जा रही है। हर की पाड़ी पर कलश यात्रा का इंतजार और मुख्य बाजार से होते हुए हर की पाड़ी पर पहुंचेगी कलश यात्रा। सैकड़ों की संख्या में वाहन जिनमें भारी संख्या में लोग सवार हैं और कलश यात्रा निकाली जा रही है हरिद्वार से। लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, अटल जी के हजारों चाहने वाले इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। अस्थि कलश यात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तमाम उत्तराखंड सरकार के मंत्री कलश यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोग जहां सड़कों पर कलश यात्रा में उमड़े हैं, वहीं अपने घर से छत से वो लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लोगों के दिलों में कितना प्रेम है, कितना स्नेह है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, आज वो इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। हर कोई अटल जी के कलश यात्रा में शामिल होने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है, अपना प्रेम समर्पित करने के लिए बेकरार दिखाई दे रहा है। अटल जी हमेशा लोगों के दिलों पर राज करेंगे, उनके प्रति लोगों का सम्मान पुष्प वर्षा के रूप में यहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा है। और जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ उमड़े हैं, दूर दूर से लोग हरिद्वार पहुंचे हैं आज अस्थि कलश यात्रा में शामिल होने के लिए। बीजेपी का भी पूरा परिवार श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां आज हरिद्वार में गंगा नदी में प्रवाहित की जाएंगे। इसके बाद देश भर की पावन नदियों में अटल बिहारी जी की अस्थियों का विसर्जन होगा। शुरुआत हरिद्वार से की जा रही है, हर के द्वार से की जा रही है। अटल बिहारी जी की यह अंतिम इच्छा भी रही है कि कोने कोने से, कण कण से, मातृभूमि से उनका लगाव रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड खासकर जिससे वो सबसे ज्यादा जुड़े रहे, सबसे ज्यादा वक्त उन्होंने यहां बिताया और इसीलिए हरिद्वार से शुरुआत की जा रही है। हरिद्वार में गंगा नदी में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन होगा। अटल जी का परिवार और बीजेपी परिवार यहां पहुंचा है,
अटल जी के चाहने वालों का जनसैलाब आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। फूलों की बारिश की जा रही है, पुष्प वर्षा से कलश यात्रा में अपना प्रेम अर्पित कर रहे हैं लोग। अटल जी के प्रति गहरा सम्मान इन तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है। भारत माता की जय के नारों के साथ ही अटल जी अमर रहे, अटल जी की कविताओं का उच्चारण, इन सबके साथ ये कलश यात्रा, अस्थि कलश यात्रा इस बीच हमारे सहयोगी असित नाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। असित जी, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं हरिद्वार से लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक भारी जनसैलाब, लोगों का हुजूम उमड़ा है, अटल जी के प्रति कितना सम्मान, कितना प्रेम भाव है इन तस्वीरों के जरिए साफ साफ बयां हो रहा है। निश्चित तौर पर वंदना अटल जी।